हेलो एवरीवन, आई एम मिस नवनीत कौर। टुडे वी शैल डिस्कस द टॉपिक इंसेंटिव प्लान्स। दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। व्हाट इज इंसेंटिव वी शैल डिस्कस। इंसेंटिव्स आर द रिवॉर्ड्स टू एन एम्प्लॉय। इंसेंटिव्स आर मॉनेटरी बेनिफिट्स टू वर्कर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये जब आप एक एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दोगे, आप उसे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दे सकते हो उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। साथ ही साथ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का भी यूज़ किया जा सकता है एम्प्लॉई को मोटिवेट करने के लिए और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। अकॉर्डिंग टू बोरक एंड स्मिथ, हम इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे। इंसेंटिव प्लान, इंसेंटिव स्कीम इज़ अ प्लान और प्रोग्राम टू मोटिवेट इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस। ये एक प्लान और प्रोग्राम है जिसके थ्रू इंडिविजुअल और ग्रुप की को मोटिवेट किया जा सकता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखें तो बोरक एंड स्मिथ ने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि एक इंसेंटिव प्रोग्राम में मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के साथ साथ नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए आप फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स। फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम वेजेस आर गारंटी टू ऑल वर्कर्स। इंसेंटिव प्लान्स की अगर हम बात करें तो इसका फर्स्ट फीचर यही है कि जो ऑल वर्कर्स हैं उनको मिनिमम वेजेस, एक मिनिमम जो वेज रेट डिसाइड है वो दिया जाएगा, प्लस उनको इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। वही जो अभी हमने बात की कि इंसेंटिव में आप उनको मॉनेटरी के साथ साथ नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दे सकते हो। मॉनेटरी जिसे फाइनेंशियल इंसेंटिव भी आप कह सकते हो, और नॉन मॉनेटरी जिसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहा जाता है। इंसेंटिव रेट शुड बी मेड अट्रैक्टिव। इस तरीके के रेट्स डिसाइड किए जाएं जो अट्रैक्टिव हों, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हों और उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो। द स्कीम शुड बी एक्सप्लेन एंड डिस्कस विद ऑल एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर्स बिफोर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। कोई भी जो हमारी इंसेंटिव से रिलेटेड प्लान है, स्कीम है, उसको प्रॉपरली आप वर्कर्स में, एम्प्लॉयज़ में, सुपरवाइजर्स में कम्युनिकेट करो, ताकि उनको पता हो कि ये जो स्कीम्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं। इस तरीके से उनको जो इंसेंटिव्स हैं, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उन तक होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि ये जो प्लान्स हैं उनको आप प्रॉपरली उन्हें कम्युनिकेट करो। तो ये कुछ फीचर्स हैं इंसेंटिव प्लान्स के। नेक्स्ट है, क्या बेनिफिट्स हैं इंसेंटिव प्लान के? क्यों एक एम्प्लॉई को हम कहेंगे कि यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, या क्यों वेज इंसेंटिव्स की बेनिफिशियल है एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए? फर्स्ट, इम्प्रूव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे तो इसका बेनिफिट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन पर पड़े। दोनों के जो भी रिलेशंस हैं वो अच्छे होंगे। एम्प्लॉय को पता होगा कि ये फैसिलिटीज़, ये रिवॉर्ड्स उसकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एम्प्लॉयर के थ्रू से दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कम होगा, एब्सेंटिज्म रेट भी आप कह सकते हो कि इससे कम होगा। साथ ही साथ हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यू मेथड्स उनको पता चलेंगे काम करने के, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज़ करेंगे, वेस्टफुल प्रैक्टिसेस वो नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में, या जो भी आपके एम्बिशियस वर्कर्स हैं कि वो इसकी इंसेंटिव प्लान्स की हेल्प से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। देन इंक्रीज मोटिवेशन। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, जब आप उनको इंसेंटिव्स दोगे, नॉर्मल सी बात है, वो मोटिवेटेड होंगे और पूरी एनर्जी झील के साथ अपने काम को परफॉर्म करेंगे। टीम वर्क। वेज इंसेंटिव प्लान्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप इंसेंटिव सिर्फ इंडिविजुअल को दो। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा काम भी हो सकता है जो काम आपने ग्रुप में दिया हो, तो वहाँ पर टीम वर्क भी इस्टेब्लिश होगा। एक स्पिरिट, म्यूचुअल कोऑपरेशन और टीम वर्क की क्रिएटेड होगी वर्कर्स के बीच में। इससे क्या है, वर्कर्स में जो टीम बिल्डिंग की स्पिरिट है, हम कह सकते हैं कि उनको टीम में काम करने के बारे में नॉलेज होगी, किस तरीके से मिलकर काम किया जाता है, तो टीम वर्क भी यहाँ पर एक मेन बेनिफिट आपको मिल सकता है। इंक्रीज मोराल। मोराल ऑफ द वर्कर्स इज इंक्रीज्ड व्हेन दे आर ऑफर्ड मॉनेटरी रिवॉर्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस। जब आप उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दोगे तो इससे उनका मोराल भी बूस्ट अप होगा, इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि बेनिफिट्स हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स दिए जाएँ।
बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जब भी कोई वेज इंसेंटिव प्लान बनाया जाए उससे पहले पूरी साइंटिफिक स्टडी की जाए, देखा जाए कि क्या काम करने का क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है, उसके बाद ही एक अच्छे गुड इंसेंटिव प्लान को इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन करे। देन लिमिटेशंस ऑफ इंसेंटिव प्लान, बेनिफिट्स हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आप देख सकते हैं क्या पॉइंट्स हैं इसमें। पीयर जेलेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स मे अराइज इफ सम वर्कर्स अर्न मोर देन अदर्स। जेलेसी की फीलिंग यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि ऐसा लगेगा ना कि कुछ वर्कर्स तो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और कुछ वर्कर्स कम अर्न कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं वर्कर्स के बीच में। देन डिसरिगार्ड सेफ्टी रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर। कई बार जो वर्कर्स हैं वो सेफ्टी रेगुलेशंस को डिसरिगार्ड करते हैं, ज़्यादा बनाने के चक्कर में वो रूल्स रेगुलेशन जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। अगर हम देखें इंसेंटिव प्लान की तो नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये कॉस्टली भी हो सकता है क्योंकि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर, इसको आपको इंसेंटिव प्लान के लिए क्लेरिकल स्टाफ की ज़रूरत होगी, टाइम लगेगा एक प्रॉपर एक अच्छा इंसेंटिव प्लान बनाने में, जिसकी वजह से टाइम भी ज़्यादा लग सकता है और कॉस्टली भी ये हो सकता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देने हैं तो फिर उसे वो देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, वर्कर्स मे वर्क ओवर टाइम एंड स्पॉइल देयर हेल्थ। कई बार क्या होता है कि इंसेंटिव अर्निंग्स पर कोई सीलिंग नहीं होती तो कुछ वर्कर्स उसकी वजह से ओवरटाइम कर लेते हैं और अपनी हेल्थ को स्पॉइल कर लेते हैं, तो ये एक लिमिटेशन हो सकती है इंसेंटिव प्लान की। नेक्स्ट, फॉर मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट क्वालिटी मे बी सेक्रीफाइज्ड। सेम वही बात कि कई बार आउटपुट को मैक्सिमाइज करने की के लिए कि इम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा आउटपुट जनरेट करके देगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करके देगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, जिसकी वजह से वो क्वालिटी को सेक्रीफाइस हो सकती है, तो ये एक लिमिटेशन हम कह सकते हैं। बट अगर लिमिटेशंस हैं तो एक अच्छा इंसेंटिव प्लान, एक गुड इंसेंटिव प्लान भी बनाया जा सकता है अगर कुछ हम कहें कि कुछ ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे तो क्या असेंशियल्स हैं, या हम कह सकते हैं क्या प्री रिक्वायरमेंट्स, क्या प्रिंसिपल्स हैं ऑफ अ गुड इंसेंटिव प्लान। फर्स्ट असेंशियल इज सूटेबल क्लाइमेट। अगर एक इफ़ेक्टिव इंसेंटिव प्लान को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है वो गुड हो, वर्कर्स का फेथ होना चाहिए मैनेजमेंट में, तब कोई भी स्कीम जो है वो मिरेकल्स ला सकती है एंटरप्राइज में। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि वहाँ मिसट्रस्ट है, म्यूचुअल डिसबिलीफ है, तो कोई भी इंसेंटिव प्लान काम नहीं करेगा। सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर क्या है कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा हो, वो गुड रिलेशन हो, तभी किसी इंसेंटिव प्लान को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। किसी भी इंसेंटिव प्लान को लॉन्च करने से पहले जो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स हैं वो एक साथ बैठें, साथ ही साथ जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए। सेकेंड असेंशियल, वर्कर्स पार्टिसिपेशन। वेज इंसेंटिव प्लान शुड बी इंस्टॉल्ड इन कंसल्टेशन विद वर्कर्स एंड यूनियन। वर्कर्स और यूनियन के साथ कंसल्ट कर ही किसी इंसेंटिव प्लान को ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल किया जाना चाहिए। अगर आप इम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट उसमें करोगे तो इम्प्लॉयज़ को उनके बारे में पता भी होगा कि कौन से इंसेंटिव प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। देन अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। इस तरीके से स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाएँ इम्प्लॉयज़ को जो साइंटिफिकली हों, जिसे इम्प्लॉयज़ अचीव कर पाए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड टाइम शुड बी फिक्स्ड फॉर अ स्टैंडर्ड वर्क। किसी भी काम को करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करो ताकि इम्प्लॉय को पता हो कि ये काम इसको विद इन टाइम जो है परफॉर्म करना है। देन सिंप्लिसिटी। जो भी प्लान बनाया गया है, गुड इंसेंटिव प्लान इज़ वन विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट। ये बहुत ज़रूरी है कि उसे आसानी से समझा जाए और ऑपरेट किया जा सके। एक एवरेज वर्कर भी उन इंसेंटिव्स जो भी ऑफर किए जा रहे हैं उसको वो यूज़ कर पाए, मतलब वो उस पर इम्प्लीमेंट हो। और हमने यहाँ पर इस तरीके से प्लान बनाना है जो एवरेज वर्कर पर भी अप्लाई हो, मतलब हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एक हर एक एम्प्लॉई को यहाँ पर इम्पोर्टेंस देकर एक उसी तरीके से, जैसे हमने स्टैंडर्ड की भी बात की, तो आप उसी तरीके से उस प्रोसेस को, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे। इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि अभी हमने कहा था कि ये कॉस्टली हो जाता है क्लेरिकल स्टाफ, यहाँ पर ज़रूरी है कि जो भी इसके पोटेंशियल बेनिफिट है वो कॉस्ट से ज़्यादा होने चाहिए, तो हम उसे कहेंगे कि गुड इंसेंटिव प्लान हमारा है। प्रॉम्प्ट पेमेंट, जो हम कह देते हैं कि जब एक जॉब एम्प्लॉई ने परफॉर्म कर लिया, आपने उसको कहा कि एक जॉब करने के बाद आपको इंसेंटिव मिलेगा, बट इंसेंटिव शुड बी पेड एज सून एज पॉसिबल। ऐसा ना हो कि आप डिले कर रहे हो पेमेंट में, तो आपका एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा। वो काम क्यों कर रहा है, वो क्यों प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, उसको पता है काम करते ही उसको इंसेंटिव मिलेगा, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि प्रॉम्प्ट पेमेंट उसको की जाए। कंड्यूसिव टू वर्कर्स हेल्थ एंड वेलफेयर, इंसेंटिव प्लान का जो एम है वो ये नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स को ओवर स्ट्रेन करना, वर्कर को के ऊपर प्रेशर डालना। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप उसको मोटिवेट करो, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर उसको ओवर स्ट्रेन कर दोगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, जबकि वर्कर्स की जो हेल्थ है उसके ऊपर ही इफेक्ट उसका पड़ सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है वर्कर की हेल्थ और वेलफेयर को देखकर ही प्लान्स को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाए। देन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो भी स्टैंडर्ड्स और रेट्स फिक्स कर दिए गए हैं इंसेंटिव प्लान के लिए, उनको बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आप बार बार अगर चेंज करोगे तो उससे जो हमारे वर्कर्स हैं देखो वो भी डीमोटिवेट होंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम उनको परफॉर्म करना है। तो ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी आप उसमें मेंटेन करके रखो। देन जस्ट एंड इक्विटेबल, जो भी इंसेंटिव प्लान बनाया गया है इट मस्ट बी जस्ट एंड इक्विटेबल टू बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़, इट शुड नॉट बी अन इकोनॉमिकल टू द मैनेजमेंट, साथ ही साथ इट शुड प्रोवाइड अ मोटिवेशनल रिवॉर्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ज़रूरी है कि यहाँ पर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दो हर वर्कर्स को, ताकि वो इंसेंटिव्स को अर्न कर पाए। लास्ट इज मिनिमम गारंटेड वेजेस, मिनिमम वेजेस शुड बी गारंटी टू एवरी वर्कर इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज परफॉर्मेंस। एक मिनिमम वेज रेट फिक्स किया जाना चाहिए, ये ज़रूरी है ताकि जो भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस है वो वर्कर्स को एंश्योर हो पाए कि उनको ये मिलेगा, ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। तो ये था हमारा टॉपिक इंसेंटिव प्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दी वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।